अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा अली टेक। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू चैनल हमज़ा अली टेक। ये मेरा न्यू चैनल है जो कि मैंने आज ही क्रिएट किया है और मैं अपने चैनल पे आज ये पहली वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे जो है वो अपने PTCL यानी कि DSL अगर आप यूज़ कर रहे हैं, PTCL यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बैंडविड्थ जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी बैंडविड्थ जो है वो यूज़ कर ली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेसिकली न्यू चैनल है वैसे, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसे, तो क्योंकि मैं इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मैं सिंपली यहाँ से न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे PTCL की वेबसाइट पे चले जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करते हुए तो आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। माय अकाउंट में जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे साइन अप नो के बटन पे क्लिक करके तो आप एक न्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, इनमें से आपने माई अकाउंट सर्विसेज वाले टैब में जाके तो यहाँ पे सिंपली यूजर इंक्वायरी का बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजर इंक्वायरी के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप अपने ब्रॉडबैंड की जो है वो बैंडविड्थ चेक कर पाएंगे कि आपने कितनी बैंडविड्थ जो है वो यूज़ कर ली है, यानी कि आप कितना डाटा जो है वो डाउनलोड कर चुके हैं। तो जैसे ही ये पेज ओपन होता है मैं आपको बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा और आपको इस साइड पे देखें यहाँ पे ईवो चार्जी, अगर आप ईवो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से ईवो की यूज़र जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपने ईवो पे कितना डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड यूजर्स पे क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास एक और पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपने यहाँ पे, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो टाइप करना है। लैंडलाइन नंबर जो होता है आपका, PTCL नंबर जिसे कहते हैं, वो आपने विदाउट एरिया कोड जो है, आपने एरिया कोड जो है वो आपका, यानी कि हमारा सियालकोट का एरिया कोड है जो वो 052 है, उसके बगैर जो है वो आपने नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप करना है। नंबर टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे अकाउंट आईडी भी जो है वो आपने डालनी है। ये अकाउंट आईडी जो है वो आपको आपके PTCL के बिल के ऊपर भी मिल जाती है। अगर आपके पास अकाउंट आईडी नहीं है तो आप PTCL की हेल्पलाइन पे कॉल करके तो अपना अकाउंट आईडी जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद अकाउंट आईडी और फ़ोन नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे जो है वो बता दिया जाएगा कि आपने कितनी बैंडविड्थ जो है वो यूज़ कर ली है, यानी कि कितना डाटा जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना नंबर जो है वो लिंक किया हुआ है। आप भी ऐसे लिंक कर सकते हैं, जब आप पहली दफ़ा इसे टाइप करेंगे अपना नंबर और अकाउंट आईडी तो आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी। मैंने अपना फ़ोन नंबर लिंक किया हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपली सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो मुझे चेक करके बता देगा कि मैंने कितना डाटा जो है वो डाउनलोड कर लिया है, यानी कि मेरी बैंडविड्थ यूज़र जो है वो क्या है। तो अभी वो सर्च कर रहा है यहाँ पे। मेरा इंटरनेट भी कुछ स्लो है आज, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लगा रहा है, अदरवाइज़ ये उसी टाइम जो है वो बता देता है। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली आपको यहाँ पे एक टेबल में आपको ये दिखा रहा है कि मैंने इतनी डाउनलोडिंग जो है वो मैं कर चुका हूँ, मेरी अपलोडिंग ये है, डाउनलोडिंग ये है, टोटल जो मैंने डाटा डाउनलोड किया है वो 73.11, यानी कि कुछ जो मैंने डाउनलोड कर लिया है। और आपको ये ग्राफ जो है वो नीचे शो करवा रहा है, मंथली जो आपका ग्राफ है वो भी आपको नीचे शो करवाया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप डिटेल जानना चाह रहे हैं कि आप ये भी जान सकें कि आपने कौन सी तारीख को कितनी डाउनलोड, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे डिटेल्स के बटन पे क्लिक कीजिए तो आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी पूरे मंथ की, कि आपने कितना कौन सी तारीख को कितना डाटा डाउनलोड किया,
आपके सामने एक बार टेबल में आपको पूरी डिटेल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और फाइनली हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।